शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिस्टर चौधरी, बाबू दरवाजा खोल दो। हमारा बेटा बिल्कुल ठीक है, सब कहते हैं छूट जाएगा वो। कितना गर्व था ना आपको अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी पर। खूब अंजाम दिया आपने अपने फर्ज को। कितने मेडल, कितने तमगे जुटा लिए आपने। आप अपनी बहादुरी के इनाम लाते रहे और मैं सजाती रही घर को, अपने घर को, उस घर को जो आज मुझे काटने को दौड़ता है। आपके फर्ज ने मेरा सब कुछ तो छीन लिया। कितना सुख मिल रहा है ना मुझे आज आपकी ये हालत देखकर। विशाल को कोर्ट में वो सब नहीं करना चाहिए था रेवती। आपको अब भी विशाल का गुस्सा करना जायज नहीं लगा? भरी अदालत में आपका मजाक बनाया गया। आपका बेटा जो आज आपके बराबर का हो चुका है, वो ये सब कुछ तमाशे की तरह देखता रहता। अगर वो वहां देसाई को मार भी डालता तब भी मैं उसे ठीक ही मानती, मैं उसे ठीक ही मानती। रेवती, और कितने इम्तिहान देने होंगे मुझे आपकी पत्नी होने का, और कितना भुगतान करना होगा मुझे। आप सारी जिंदगी जिस कानून की दुहाई देते रहे, वही कानून आज तहर बनकर मेरी दुनिया में टूट पड़ा। इस तरफ आपको अपाहिज बनाकर इस अंधेरी दुनिया के कोने में बिठा दिया गया, और मेरे बेटे को, मेरे बेटे को, मेरे बेटे को। साले पुलिस वाले पे हाथ उठाता है।
क्या समझता है कि गुंडागर्दी सिर्फ तेरे को आती है? हाँ, साले, तेरा कभी मुझ जैसे से वास्ता नहीं पड़ा ना। शुरुआत है साले, शुरुआत। जब तक तेरे गर्म खून को ठंडा नहीं करूंगा, कोर्ट की तारीख नहीं पड़ेगी। चौधरी देसाई, ये मत समझना कि मैं कोई फरियाद लेकर आई हूं तेरे पास। मैं तो तुझे आगाह करने आई हूं कि तेरी बर्बादी का वक्त अब आ गया है। और अगर विशाल मेरा बेटा है, अगर वो मेरा बेटा है, तो तेरी जेल की सलाखें उसके छू भर लेने से तार तार हो जाएंगी। और उसके बाहर निकलते ही तुझ जैसे कई पापियों की जिंदगी के फैसले होंगे। देखिए मिसेस चौधरी, आप हमारी जिंदगी तो तूने आंसुओं के सैलाब में डुबो दी। अब अपनी दुनिया की तरफ इस बढ़ते हुए तूफान को रोक सकता है तो रोक ले। हाँ देसाई, हाँ, मैं रमाकांत चौधरी की पत्नी और विशाल की माँ आज इस जंग का ऐलान करती हूँ।